राजनीतिक चस्का, प्रदेश की राजनीति में मतदाता किस पर लगाएंगे अपना दांव? योगी खिलाएंगे फूल या अखिलेश की दौड़ेगी साइकिल, या पंजा दिखा पाएगा अपना दमखम? हाथी की रफ्तार बढ़ेगी या झाड़ू अपनी उम्मीद पर खरा उतर पाएगी? जानने के लिए देखिए राजनीतिक चस्का। नमस्कार, राजनीतिक चर्चा कार्यक्रम में आज हम मौजूद हैं पीलीभीत जनपद की बिसलपुर विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर हम मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जो तीन बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार में विधायक रहे और साथ ही मंत्री भी रहे। अगर हम बात करें राजनीतिक छवि की तो इनकी छवि एकदम जबरदस्त है, और यहाँ पर अगर बात करें लोकप्रियता की तो वो भी किसी से कम नहीं है। इस बार की अगर हम बात करें तो इस बार जो वोटर है वो अलग ढंग से अंदरूनी अपने आप स्वयं चुनाव लड़ा रहा है प्रत्याशी को, और व्यक्तिगत चरित्र और चिंतन पर लड़ा रहा है। हम बात करेंगे फूल बाबू से। अनीस भाई, ये बताइए कि जिस तरह का इस समय माहौल है, और आप लगातार विधायक रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं, लगातार जनता से जुड़े भी रहे हैं, यहाँ के विधायक पर एक बहुत बड़ा आरोप लगता है भाजपा के विधायक पर कि ना लोगों से बात करते हैं, ना लोगों का काम करते हैं, और लोग उनसे त्रस्त हो चुके हैं। ये एक सर्वे में आया जो हमने ही किया था, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, 130 विधानसभा में सही बात यह है कि जो बीजेपी के विधायक रहे हैं वो उनकी वर्किंग, उनकी जो कार्यशैली है, जो उनका जनता के प्रति व्यवहार है, और एक डर का माहौल उन्होंने यहाँ पर उसके साथ साथ पैदा किया है, जिससे कि लोगों में 5 साल बहुत डर रहा है। बहुत मुकदमे उन्होंने लोगों के लिखाए हैं, अपनी पावर का गलत दुरुपयोग किया है, और जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। इतना अगर वो दिमाग विकास पे क्षेत्र के लगाते तो शायद क्षेत्र का फायदा होता, लेकिन 10 साल से वो विधायक यहाँ पर हैं, उन्होंने पूरी तरीके से विकास को यहाँ पर रोका है, और जनता का शोषण खुद भी किया है, और आर्थिक शोषण प्रशासनिक लेवल पर भी बहुत जनता का हुआ है। अगर हम बात करें तो इस समय जो हवा उड़ी हुई है, बीजेपी अपने आप में कह रही है कि हम सत्ता में आने वाले हैं, जनता का कहना है कि समाजवादी पार्टी आने वाली है, बहुजन समाज पार्टी के साथ में ये रहा है कि लगातार आप चुनाव में रहें, और इस बार कैंपेनिंग बहन जी ने कुछ काफ़ी कम की है, इसके बावजूद आपकी स्थिति यहाँ पर मजबूत है। आप प्रदेश लेवल पर अगर बात की जाए तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहन जी का जो वोट है वो पहले से बहुत ज़्यादा आज मजबूती पर खड़ा है, और जहाँ तक वोट के साथ साथ सब समाज के लोगों में बहन जी की एक इमेज है कि बहन जी ने विकास भी बहुत किया है, और बहन जी ने कानून के द्वारा कानून का राज भी उत्तर प्रदेश में दिया है, ये चर्चा लोग करते हैं। और बीएसपी को लोगों को कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर बीएसपी में बहुत काम हो रहा है। और जहाँ तक बीजेपी के विरोध की बात है तो जनता में महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, और आवारा पशुओं को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर जनता बहुत ज़्यादा परेशान है और दुखी है, और अंदर खाने बहुत करंट है लोगों में, तो वो पब्लिक पूरी तरीके से बीजेपी को पलट देगी इस बार। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन एक आखिरी क्वेश्चन आपसे करेंगे। जहाँ तक हमने सर्वे किया, यहाँ पर जो विधायक थे पूर्व वो लगातार ईमानदारी की बात करते थे, ईमानदार छवि की बात करते थे, लेकिन हमने बहुत खोजबीन की तो पता चला कि सिंधौली एक क्षेत्र पड़ता है लखनऊ के पास, वहाँ पर इंटर कॉलेज बन रहे हैं, बहुत सारे उनके काम शुरू हो रहे हैं। तो क्या इस बार जनता जो गाँव की है, जिनको वो अपने आप में एक ड्रामे के तहत ठगते रहते थे, क्या इस बार जनता का रुख क्या है आपको निकलना है क्षेत्र में? देखिए, जो पैसे की जो करप्शन की बात है वो निश्चित रूप से उनके बेटे के द्वारा बहुत किया गया है, और यहाँ तक लोग बताते हैं कि लड़के ने बहुत ज़्यादा दूसरे मामलों में भी वो इन्वॉल्व है, तो जनता में उनके साथ साथ बच्चे की भी बहुत इमेज ख़राब है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो मौजूदा विधायक है जिनके बेटे को टिकट मिला है, उसको बहुत अच्छी तरबियत और संस्कार वो नहीं दे पाए हैं, जिसकी वजह से जनता में उनके प्रति उत्साह नहीं है। यहाँ तक उनके समाज के लोग भी, राजपूत लोग भी उनसे बहुत ज़्यादा हट रहे हैं, और हम लोगों के साथ खड़े हो रहे हैं, और उन्हें इस बार बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। बड़ी बेबाकी से अनीस भाई ने हमको बताया कि किस तरह से जो विधायक हैं उनके पुत्र का कार्यकाल जो रहा है पिछले साल विधायक का, तो पिछले 5 सालों में उन्होंने क्या किया क्षेत्र के लिए। जैसे हम बात करें तो यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र की हम बात करें तो अनीस भाई ने यहाँ पे इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज में यहाँ पर आपके द्वारा यहाँ खुलवाया गया, लेकिन पिछले 5 साल में ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया, जिसकी वजह से जनता पूरी तरह से